देख धनु, तू एक महीने से अकेलो अकेलो खा रहो है, हमने कुछ कही ना? अब भूरी को स्वाद थोड़ो, हमें भी लेने दे। भूरी मारी घर वाली है, कोठे वाली ना। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है, अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण आंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की,
जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी, जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं, ताकि वह उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वह भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं, ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तो भूरी गांव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है
और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मासा पावर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है, अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है उस औरत की तरह, जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुवीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव। रघुवीर ने धनवा का किरदार निभाया है। मासा पावर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वहीं भूरी का सशक्त रोल मनसा पावर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनुआ का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी।
गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। मासा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूश करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मासा पौर भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मासा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तब भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने
करने की हिम्मत दिखाई है। जिस बीर कुसुम कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। माशा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और माशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुवीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव। रघुवीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है।
अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि वह उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वह भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही
इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है,
वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। यह फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनुआ का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह, जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है, ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। मशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की,
जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी, जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं, ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंचे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं, ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नज़र आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तब भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मासा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने
ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मासा पावर ने भूरी का रोल निभाया है। शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है। मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है। मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है। अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है। मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। मासा पावर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि वह उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वह भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पावर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मासा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मासा पावर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है।
माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं, वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा पौर भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे।
भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। माशा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मनजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनुआ का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और माशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुवीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव। रघुवीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा।
फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंचे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तब भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मासा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मासा पावर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है,
लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि वह उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वह भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मसा पौर भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मसा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे।
भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तब भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। माशा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और माशा पावर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है उस औरत की तरह, जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण आंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुवीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव। रघुवीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप
तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वहीं भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मासा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मासा पावर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी।
हाँ एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गाँव जैसे उसके पीछे
हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गाँव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तब भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। मशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी,
मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि वह उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वह भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाबी छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तो भूरी गांव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी।
माशा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने, इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने, इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को, भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और माशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है, अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है उस औरत की तरह, जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुवीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव। रघुवीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा।
फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वहीं भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। यह फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति की मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मासा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मासा पावर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है,
लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है, वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मसा पौर भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मसा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे।
भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है, जिसकी शादी ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तब भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। माशा पौर, रघुवीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। यह रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और माशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुवीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुवीर यादव। रघुवीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप
तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि वह उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले लेकिन वह भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाबी छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गांव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। ये फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनवा का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी।
हाँ एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है उस औरत की तरह, जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। माशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं। बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है और अपनी बोली लगाती है। इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा। फिल्म भूरी के निर्देशक जसबीर भाटी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टेटस भर नहीं है, बल्कि एक फिल्म निर्देशक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी है। फिल्म में थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव भूरी के पति धनवा के रोल में हैं। वही भूरी का सशक्त रोल मनसा पौर ने निभाया है। इनके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी आदि भी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में पिछले काफ़ी वक्त से सिर्फ अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी फिल्म उड़ता पंजाब ही छुआई हुई थी। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के कुछ सीन काटे जाने से लेकर बम्बई हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी दिखाने तक फिल्म में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। अब फिल्म 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सबके बीच सभी उस बात को भूल चुके थे कि उसी दिन उड़ता पंजाब के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूरी की। जसबीर भट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक महिला भूरी की कहानी को बयां किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भूरी एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसकी शादी गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद जब भूरी अपने पति के साथ ससुराल पहुँचती है तो गाँव के हर मर्द की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे पाने की इच्छा में लग जाता है। पूरा गांव जैसे उसके पीछे
हान धोकर पड़ा होता है। इसी वजह से भूरी के पति को गुंडों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद तो गांव के सभी आदमी भूरी के पति को परेशान करने लगते हैं ताकि वह किसी भी तरह से भूरा को उसे सौंप दे। भूरी किस तरह से ऐसे ही टॉर्चर और गाँव वालों की गंदी नज़रों को सामना करती है वह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मशा और भूरी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मशा स्कॉटलैंड की हैं और इस फिल्म में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। फिल्म में उनके अलावा आदित्य पंचोली, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और मुकेश तिवारी जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भूरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पुरुषों के समाज में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सितम झेलती है। कई मशहूर सीरियल के डायरेक्टर जसबीर भाटी इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कहानी 23 साल की भूरी की है जिसकी शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर से होती है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। गरीबी और असंतुलित वैवाहिक रिश्ते के बीच में भूरी पिसती है। यह फिल्म एक महिला की लाचारी और पीड़ा की कहानी है। अंत में भूरी खुद को पाप के केंद्र के लिए तैयार पाती है। उसके पति के मौत के बाद गांव के कुछ लोग उसकी आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं तो भूरी गाँव वालों को बुलाकर खुद की बोली लगाती है। डायरेक्टर जसबीर भाटी ने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। जसबीर कुसुम, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की जैसे कई पॉपुलर टीवी शो से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2015 में फिल्म युवा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी जिसमें जिमी शेरगिल और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। भूरी 2016 की भारतीय सामाजिक ड्रामा फिल्म है। यह ग्रामीण उत्तर भारत में महिलाओं की जीवन स्थितियों की एक झलक है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के आसपास के सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। मशा पौर, रघुबीर यादव, कुनिका, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जसबीर भाटी ने। इसको लिखा था जगत भूषण सिंह, मंजीत महिपाल ने। इसको प्रोड्यूस किया था चंद्रपाल सिंह ने। रिलीज हुई थी 17 जून 2016 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 साल है और उसकी शादी 54 साल के एक गरीब किसान के साथ कर दी जाती है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। इस फिल्म में रघुबीर यादव ने धनुआ का रोल निभाया है, कुनिका ने काकी का रोल निभाया है, आदित्य पंचोली ने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और मशा पौर ने भूरी का रोल निभाया है, शक्ति कपूर ने डॉक्टर का रोल निभाया है, मुकेश तिवारी ने मैनेजर का रोल निभाया है, मोहन जोशी ने चौधरी का रोल निभाया है, अरुण नागर ने सिरसा का रोल निभाया है, मनोज जोशी ने बन्या का रोल निभाया है और सीताराम पंचोली ने पंडित का रोल निभाया है। उड़ता पंजाब के शोर के बीच एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भूरी। हाँ, एक औरत की कहानी जो अक्सर हम चकाचौंध वाले सिनेमा के दीवाने देखना पसंद नहीं करते। ऊपर से यह एक गांव की औरत है। हाँ, खूबसूरत है, जवान है, महज 24 साल की, मनहूस भी है। अब गांव का हर मर्द उसे हासिल करना चाहता है। यह फिल्म खामोश है, उस औरत की तरह जिसे पाने के लिए पुलिस भी बेताब है और गाँव का मुखिया भी, बुजुर्ग भी और नौजवान भी। इसके ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि भले ही इसमें कोई टॉमी सिंह जैसा रॉक स्टार ना हो और ना ही करीना और आलिया जैसी हीरोइन, ना गाना है, ना कोई पॉलिटिक्स, पर यह भारत के किसी गांव का सच जरूर है। भूरी कोई स्टार नहीं है, लेकिन इसकी कहानी स्टार से कम भी नहीं है। दरअसल इस फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक विलन है और वह है इस कहानी की सच्चाई। देश के ग्रामीण अंचलों में कैसी कैसी प्रथाएं हैं और कैसे एक स्त्री महज भोग और विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। भूरी आपको हर पल झकझोरेगी और अगर नहीं झकझोरती तो समझिएगा कि आपकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। भूरी की कहानी है एक लड़की 24 साल की खूबसूरत भूरी की, जिसे पूरा गांव मनहूस मानता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है और अब तीसरे 54 साल के पति धनवा यानी रघुबीर यादव की मौत हो जाएगी। गांव से पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं। गांव के पंच से लेकर पुलिस और दबंग हर कोई मजबूर किसान धनवा पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी पत्नी उनके हवाले कर दे। सब उसके पास सोना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त से अपनी पत्नी को हर किसी की नज़र से बचाने के बाद आखिरकार धनवा भी बीमार पड़ जाता है। उसके बाद भूरी खुद अपनी बोली लगाती है। फिल्म में अहम भूमिका में है थिएटर के मंझे हुए कलाकार रघुबीर यादव। रघुबीर ने धनवा का किरदार निभाया है। मशा पौर ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है और अच्छा अभिनय भी किया है। इसके अलावा फिल्म में आदित्य पंचोली, कुनिका, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी और सीताराम पंचाल भी हैं।
बॉलीवुड में हर साल कुछ ही फिल्में आती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ऐसी फिल्मों का एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन रिलीज हुई ऐसी ही एक महिला केंद्रित फिल्म भूरी की, जो अपनी मजबूरी की कहानी की वजह से चर्चा में थी। ये कहानी एक खूबसूरत ग्रामीण औरत भूरी की है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव के बूढ़े जवान से लेकर अधिकारियों तक की नज़र में है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। ये कहानी है उस महिला के दर्दनाक अतीत की, जिसमें उसके साथ हुई दुर्घटनाओं को उसका नसीब मानकर मनहूस करार दे दिया जाता है। ये देश के अनेक गाँवों में प्रचलित प्रथाओं की कहानी है। यकीन मानिए, आज भी यदि आप तलाशेंगे तो आपको भूरी जैसी अनेकों औरतें मिलेंगी जिनके साथ समाज ने न्याय नहीं किया, जिनका दोषी ये समाज है, आप हैं और हम हैं। फिल्म भूरी एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसके 3 पति मर चुके हैं और उसकी शादी एक 54 साल के आदमी से कर दी गई है। अब पूरा गांव उसे मनहूस मानता है, लेकिन साथ ही उस पर गंदी नज़र भी बनाए रखता है। अब सब मानते हैं कि उसके नए पति की भी जल्दी ही मौत हो जाएगी, क्योंकि भूरी मनहूस है। गांव के सरपंच से लेकर पुलिस और दबंग हर आदमी उसके पति धनवा पर दबाव बनाते हैं ताकि उसे छोड़ दे और वह उसे हासिल कर सके। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला धनवा पूरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन वो भी बीमार पड़ जाता है। आखिर में भूरी एक निर्णय लेती है।